स्पष्ट है कि हम कोई चीज, हम ना हमको कहीं जाना है ना कहीं कुछ करना है। नहीं, जाने की बात नहीं है, ये जगह नहीं है ना, उचित जगह नहीं है। चाप सबसे बड़ी बात है, प्रतिबंधित है इस जगह पर, कई बार हम लोगों को रोक चुके हैं, और एक व्यक्ति को रोकना और दूसरे को नहीं रोकना किस हिसाब से हम लोग के लिए उचित लगता है? नहीं नहीं, पहले भी यहाँ पर ऐसा नहीं है कि पहले तो लोग उधर के तरह आ करके बैठ के गए। वही वही कह रहा है ना, तो इसीलिए हमने बोला कि एक आदमी को रोकते हैं तो सबके लिए रुकता है। नहीं वो बैठ के गए, लेकिन हम बैठ के नहीं गए हैं। जी, बैठ के नहीं, सबको हटाया गया है। अब आप लोग भी मेरा चला जाए, वही का अनुमति देते हैं। मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, वही ये सब जितना है ना वही लगवाया जाए। मेरा एक ही रिक्वेस्ट है सिर्फ कि एक उचित जगह नहीं है। दिन में कोई भी व्यक्ति आएगा जो जिनको गांधी जी के प्रति श्रद्धा होगी वो यहाँ आकर यह देखने को। कहाँ दिक्कत है, गांधी जी के प्रति श्रद्धा होगी तो गांधी जी नहीं, नहीं तो यहाँ आप लोग देखेंगे तो राष्ट्रीय झंडा समझ जाएंगे। राष्ट्रीय झंडा है, नहीं नहीं नहीं, राष्ट्रीय झंडा से इसका अर्थात ये नहीं लगा। राजनीतिक चीज को राजनीतिक करना, पूरे देश में अहिंसा के खिलाफ अगर कहीं कोई बैठता है तो गांधी जी के मूर्ति होता है पूरे देश, चाहे वो दिल्ली हो चाहे कहीं हो, पूरे देश में अहिंसा के खिलाफ अगर कोई प्रोटेस्ट करता है तो गांधी जी की मूर्ति के नीचे। मेरा रिक्वेस्ट है कि हम इतना ही कर सकते हैं, हम दे ही नहीं सकते यहाँ पर, तो क्या बोलते हैं। मेरा सिर्फ इतना ही रिक्वेस्ट है कि 2 बजे तक तो हमको आप बात है कि जगह गलत है, आप पूरा रात तक रहिए, चल भी रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्थल पे सिंबोलिक तौर पर भी कहीं आदमी कोई नहीं बैठ सकता। बैठे ना वहाँ पर, नहीं वो तो धारणा थोड़े हम लोग दे रहे हैं, जो भी बैठी ना वहीं पर बैठिए ना, क्या दिक्कत है कि इतनी बड़ी घटना घटी। बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए, वहाँ पर पलाकी चला और ये घटा, उसमें तो आदमी अपनी बात शांतिपूर्ण से अधिकार है उसके थोड़े रोका जाए, कौन तरीके से तो आदमी कहीं भी बैठ सकता है इस देश में, कहीं भी नॉन प्रॉफिट जो भी। नहीं नहीं नहीं, कहीं बैठ जाए तो नॉन प्रॉफिट जैसे आप लोग हमेशा रोड पे, कहीं का मतलब ये यथार्थ नहीं है। एक मिनट रुकिए, एक मिनट मेरी बात समझिए, एक कार्यक्रम है उससे होके आते हैं आप, आइए आप उससे पहले। नहीं नहीं, आप आइए ना, आएंगे हमारे ड्यूटी आएंगे, क्योंकि हम तो कार्यक्रम में जा रहे हैं, तो उससे पहले आप लोग जी जो आएंगे रेस्पेक्ट करेंगे। वो गेट जो है छोटा खुलवा दीजिए। नहीं, गेट कोई नहीं खुलेगा, वो टाइम होता है, हम लोग जाएंगे कैसे, मतलब भगा रहे हैं तो उसके लिए व्यवस्था आप करो, आप चलिए ना। अच्छा, आप ट्राई नहीं करिए ना मालिक, आप चलिए हमारे साथ, ठीक है, हम आपकी सुनेंगे ना, आप मेरे भाई हैं, एकदम सुनेंगे। आधे घंटे हमको एक 1.5 घंटा हम लोग को सोचने का, बात करने का मौका दिया। आप आधे घंटे में देखिए, बात कर रहे हैं उसके बाद ही कोई बात कर पाएंगे। आधे घंटा में निर्णय लीजिए, 12 बजे के बाद ही कोई बात हो पाएगी। नहीं नहीं, देखिए ना, आधे घंटे में निर्णय लिया जाना है। एक घंटे हमको निर्णय का समय दिया, हमको आते आते इतना बज गया, इतना देर, 12 बजे जो है, एक घंटे हमको समय दिया, शासन देर से पहुंचता, फिर से देर से पहुंचता, एक घंटे हमको समय, 12 बजे 12 बजे आप भाई है, 1 घंटे समय, आप इसको समाप्त कीजिए, ठीक है, आप हमारे सिटी में ये छोड़ दीजिए। 3 बार मजिस्ट्रेट सभी लोग आ गए, फोर्स लगा दिए गए, अब उपवास भी नहीं करने देंगे लोकतंत्र में। नहीं, वो कह रहे हैं कि जबरदस्ती बैठ के परमिशन नहीं है यहाँ पर। भैया परमिशन का क्या बात है, उपवास में 4 बजे से बैठे हैं, क्या परमिशन का सवाल बात करें, हम कोई धरना प्रदर्शन तो नहीं कर रहे हैं, चुपचाप उपवास में बैठे। इसीलिए हम विपक्ष से आग्रह करेंगे, देश भर के विपक्ष से, कि कायर मत बनिए, अन्यथा चूड़ी पहन के बैठ जाइए। यह वक्त आ गया है खड़े होने की, यह वक्त आ गया है गोली खाने की, यह वक्त आ गया है किसान के साथ चलने की। इस सरकार के तानाशाह के खिलाफ भारत के विपक्ष को एक होना पड़ेगा। इसीलिए आज गांधी मैदान के इस गांधी मूर्ति के जगहों से बिहार चाहता है कि इस तानाशाह सरकार के खिलाफ पूरा देश एकजुट हो, बिहार एकजुट। कल राजद मानव श्रृंखला बना रहे हैं सर, का समर्थन देंगे क्या? बंदूक तोप और राइफल के बदौलत समाप्त करने की जो इनकी नियति है, एन कैन फूट डालो, राज करो, शासन करो,
ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह। हम कानून वापस लेने की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं मरने की, हम बात मारने की नहीं करते। किसान एक ऐसी ताकत है जो खेत में भी मरता, बाढ़ में भी मरता, साइक्लोन में भी मरता, और जब सरकार मारना चाहती तब भी मरता। इस देश में किसान को ही टारगेट करके आतंकी बना देना, और जो रात में गाजीपुर बॉर्डर पर आतंक का माहौल बनाया गया, यह बिहार आज सड़कों पर है, इस लोकतंत्र की हत्या करने वालों के खिलाफ संविधान से इतर आपने हिटलर के तरह मुखेर कानून बना करके डरावना माहौल बनाया। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा वो धर्म किसान नहीं है, तो औकात और हिम्मत है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री टच करके देख ले किसान को। इसीलिए हम लोग बिहार के सारे साथी, सारा किसान कल की घटना। एसेंस यूनिसेक सैलून, ग्रैंड अपार्टमेंट, फ्रेजर रोड, डाक बंगला रोड, पटना।